Good morning, students. This is your English class. Now we are studying chapter 5 in your English grammar book. That is about the topic much, many, fewer and less. Students, in the previous class we have already studied about some topics on much, many, fewer and less. Today in this class we are going to study about the use of much, many, fewer and less. So students, let's open page number 23 in your English grammar book and start read. The use of much, many, fewer and less. Here we are going to study about the use of much, many, fewer and less. The determiners much, little and less denote quantity. The determiners much, little and less denote quantity. Okay, ये जो determiners है much, little and less, ये quantity के बारे में बोलते हैं या मात्रा के बारे में बोलते हैं. Okay, ये जो determiners है much, little and less, ये क्वांटिटी के बारे में बोलते हैं या मात्रा के बारे में बोलते हैं. वी यूज अ सिंगुलर नाउन एंड वर्ब विथ देम. हम इसके साथ एक सिंगुलर नाउन और एक सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं. हम इसके साथ एक सिंगुलर नाउन यूज करते हैं और एक सिंगुलर वर्ब को भी यूज करते हैं. सो द डिटरमाइनर्स मच, लिटिल एंड लेस क्वांटिटी या मात्रा के बारे में बोलते हैं और इसके साथ हम एक सिंगुलर नाउन एंड एक सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं. ठीक है. द डिटरमाइनर्स मेनी, फ्यू एंड फ्यूअर डिनोट नंबर. ये जो डिटरमाइनर्स है मेनी, फ्यू एंड फ्यूअर, ये नंबर या संख्या के बारे में बोलते हैं. वी यूज प्लूरल नाउन एंड वर्ब विथ देम. हम इसके साथ प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं. ओके, मेनी, फ्यू एंड फ्यूअर, ये सारे डिटरमाइनर्स नंबर या संख्या को रेफर करते हैं, है ना. और इसके साथ हम एक प्लूरल नाउन और एक प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24 ऑन द टॉप ऑफ द पेज. ओके, सी हियर, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ओके, मच इन द ब्रैकेट क्वांटिटी. मच इज अ डिटरमाइनर दैट डिनोट्स क्वांटिटी. ओके, मच ऐसा एक डिटरमाइनर है जो कि क्वांटिटी या मात्रा के बारे में बोलते हैं, है ना. नाउ सी एग्जाम्पल नंबर वन. डज योर काउ गिव मच मिल्क. डज योर काउ गिव मच मिल्क. इन दिस सेंटेंस मच इज द डिटरमाइनर, है ना. और मच इज द डिटरमाइनर दैट इज यूज्ड विथ अ सिंगुलर नाउन मिल्क and with a singular verb give. Here in this sentence much denotes the quantity of milk. Okay, इस sentence में much है determiner जो कि एक singular noun milk और एक singular verb give के साथ use हुआ है. और much इधर milk का जो क्वांटिटी है, मिल्क का जो मात्रा है, उसके बारे में बोल रहे हैं. ठीक है. नाउ सी मेनी इन द ब्रैकेट नंबर. मेनी इज ऑल्सो अ डिटरमाइनर दैट डिनोट्स नंबर. ओके, नाउ सी एग्जाम्पल वन. रोहन डज नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स. रोहन डज नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स. इन दिस सेंटेंस मेनी इज द डिटरमाइनर दैट इज यूज्ड विथ द प्लूरल नाउन फ्रेंड्स एंड विथ द प्लूरल वर्ब हैव. ओके, एंड हियर द डिटरमाइनर मेनी रेफर्स टू द
number of the noun friends. Okay? इस सेंटेंस में मेनी एक डिटरमाइनर है जो कि एक प्लूरल नाउन फ्रेंड्स और एक प्लूरल वर्ब हैव के साथ यूज हुआ है और मेनी इधर यूज हुआ है फ्रेंड्स का जो नंबर है संख्या है उसको रेफर करने के लिए. ओके लाइक दिस ऑल एग्जांपल्स आर गिवन हियर आल्सो. ओके नाउ सी फीवर नंबर. फीवर इज आल्सो अ डिटरमाइनर दैट denotes number. ठीक है. Example number वन. No fewer than 20 workers were absent. Okay? No fewer than 20 workers were absent. In this sentence, fewer is the determiner that is used with the plural nouns workers and the plural verb were. Okay? And fewer refers the number of workers in the sentence. Okay, इस sentence में fewer जो है वो है determiner जो कि एक plural noun workers और एक plural verb were के साथ यूज हुआ है और fewer इधर workers का जो number है उसके बारे में बता रहे हैं. ठीक है. Like this, these sentences are also given. Okay, now see less in the bracket quantity. Okay, less is also a determiner that denotes quantity. ठीक है. Less ऐसा एक determiner है जो कि quantity या मात्रा के बारे में बोलते हैं. Example number one, he had less difficulty with his work. Okay, he had less difficulty with his work. In this sentence, less is the determiner that is used with that is used with the singular noun difficulty and a singular verb had. Okay, here the determiner less refers to the quantity of difficulty in this sentence. Okay, इस sentence में less जो है वो है determiner जो कि एक सिंगुलर नाउन डिफिकल्टी और एक सिंगुलर वर्ब हैड के साथ यूज हुआ है ना. और लेस इधर रेफर कर रहे हैं डिफिकल्टी का जो क्वांटिटी है मात्रा है उसको. ठीक है. लाइक दिस दिस सेंटेंसेस आर आल्सो गिवन. ओके सो स्टूडेंट्स यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस यूज ऑफ डिटरमाइनर सॉरी कैन से एडजेक्टिव्स देन we will do the exercise box given in this chapter.